लेकिन बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है, और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यह फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इसलिए कोई देह हाथ चमकावे वाला का रूपोली अब नहीं घुसा देके छे। अवैध बंदूक गोली लेकर चले वाला के नहीं घुसा छे रूपोली। रूपोली में अगर राज होगा तो गरीब का राज होगा, गरीब का राज होगा। बिहार सरकार हर वक्त पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब के लिए चिंता करता है, और आपकी चिंता अगर कोई कर सकता है आरक्षण से लेके विकास तक, तो वो नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़िए, कोई आगे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। रुपोली में एक ही नाम होगा, वो नीतीश कुमार जी का नाम होगा, मोदी जी का नाम होगा, और हमारे कलाधर मंडल जी का नाम होगा। रहे और इस तरह की बात बोलता हो कि और कानून को अपने हाथ में लेता हो, उसको कानून पर विश्वास और कोर्ट पर विश्वास नहीं हो, ऐसे कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उसको सरकार बर्खास्त पहले करे। और इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, इस बयान से हर आदमी को बचना चाहिए। देखिए बयान का उनका तात्पर्य स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, अपराधियों को कोई जगह नहीं मिलने वाली है, और अभी एसआईटी का गठन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए किया गया है जिला स्तर पे, यही बात उन्होंने कहा है। अब कभी कभी आदमी के शब्दों का उल्लेख अलग हो जाता होगा, लेकिन जो मुख्य बिंदु है, जिसके जो उनकी मुख्य इच्छा थी, जो कह सकते हैं कि जिसके पीछे का तात्पर्य यही था कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो अवैध रूप से हथियार लहराते हैं उनको अब गोली मार दिया जाएगा। देखिए उनके कहने का तात्पर्य यही कि अपराधियों को हम कोई जगह नहीं देंगे, अपराधियों को कोई मौका नहीं होगा, हम उन पर जीरो टॉलरेंस की नीति से तहत कार्रवाई करेंगे, और जो भी अपराधी हैं उनको जेल में ही रहना होगा, उस पर कोई बख्शा नहीं जाएगा। दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि एसआईटी का गठन हुआ है, जो भी अवैध हथियार लेकर चलेंगे उनको गोली मार देंगे। तो जो अवैध हथियार रखते हैं पहले उसको मरवाएं, मंत्री हैं उनको ताकत है, उसमें कौन रोक रहा है उनको, इसमें कौन रोक सकता है? जो कार्रवाई कर सकती है सरकार को करनी चाहिए। यूपी में जिस तरह से लोगों ने दंडित किया है, यहाँ भी वही होगा, ये संभव है ये सब चीज। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी ने रुपौली जहाँ उपचुनाव है वहाँ सभा के दौरान जो मंतव्य दिया है, चूंकि रुपौली अपराध ग्रसित क्षेत्र रहा है, आज वहाँ अपराध करने का कोई हिम्मत अगर नहीं करता, अगर किया तो कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होती है, और बिहार की जनता ने 3/4 बहुमत एनडीए को आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को दिया। इस के साथ बलवती होकर कि बिहार जो 118 नरसंहार का बिहार था, 5,243 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, उस बिहार में कानून का इंजेक्शन देकर, जब कानून का इंजेक्शन देते हैं तो जिसको इंजेक्शन पड़ता है वो आह बोलता है और जनता बाह बोलती है, और जेल के अंदर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जब अपराधी और गुंडे तड़पते हैं 10 साल 20 साल तो स्वाभाविक रूप से जनता भी प्रसन्न होती है कि ऐसे अपराधी और गुंडों को, लंपटों को जेल में तड़पना उनको सुकून देता है।